अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, स्टडी विद यासिर के साथ मैं हूं आपका टीचर यासिर। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम अपनी 3D बेसिक किससे बनाई जाती है मैं आपको वो स्टार्ट करना सिखाऊंगा। मैंने अपने इस जो ट्यूटोरियल है ऑटोकैड का, इसमें मैंने आपको एक प्रोजेक्ट की 3D बनाना सिखाई थी, लेकिन वो हो सकता है कुछ साथी हमारे कुछ स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूज़ हों। अब मैं ये समझ के बनाऊंगा कि आप बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हैं, आप इनिशियल लेवल पे ऑटोकैड की 3D एक छोटा सा मैं प्लान बनाऊंगा, एक रूम बनाऊंगा 12x12 फिट का। तो उसको कैसे बनाया जाता है, उसमें डोर विंडो कैसे बनाएंगे, उसकी हाइट कैसे दी जाती है, मैं ये सोच के बनाऊंगा कि आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप इसको फॉलो करें। एक सिविल का हम लोग 3D किस तरीके से बनाते हैं, तो चलते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ, उसको देखते हैं क्या हमने बनाना है। ये हमारे पास एक रूम है 12x12 का, इसमें एक डोर यहाँ पे दिया गया है और एक विंडो यहाँ दी गई है। अच्छा, पीछे मैं विंडो नहीं बना रहा फ़िलहाल, पीछे बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहले हम लोगों ने बनानी है, उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है 3D के अंदर। तो ये शेप हमने बना के फाइनल हमें ये बनाना है। तो चलते हैं अब ये किस तरीके से ये सब ड्राइंग बनाएंगे, तो चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। हम आ गए ऑटोकैड में। तो ड्राइंग काम शुरू करने से पहले जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि आपके दूसरे साथियों का भी भला हो जाए। आपकी सपोर्ट ही हमारी कामयाबी है, आप सपोर्ट करेंगे और हमारी कामयाबी है। तो चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। सबसे पहले हमने करना क्या है, यूनिट तो हमारा सेट है, फिर भी UNINTER यूनिट की कमांड हमने लगाई। UNINTER आर्किटेक्चर हमारा यूनिट है। और अब यहाँ पे लाइन लगाते हैं 12 फिट की, जैसे मैंने आपको दिखाया था 12 फिट, हमने 12 फिट की लाइन लगाई। 12x12 का एक यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, रूम बना लेते हैं। ये हमने 12x12 का एक बॉक्स बना लिया, मतलब रूम बना लिया। इसको ऑफसेट करेंगे 6 इंच अंदर की तरफ, अगर बाहर करेंगे तो फिर वो 12 से बड़ा हो जाएगा। हम 6 इंच को अंदर की तरफ ऑफसेट कर रहे हैं और इसको यहाँ से हम लोग ट्रिम कर देंगे। यहाँ से इसको हमने ट्रिम करना है, ये भी ट्रिम कर देंगे, यहाँ से ये भी ट्रिम कर देंगे, ये भी ट्रिम कर देंगे, ये भी ट्रिम कर देंगे। अब हमें करना क्या है, हमने यहाँ से ऑफसेट लगाना है 6 इंच का। और यहाँ से ऑफसेट लगाया, जैसे डोर का हमने हमारे पास साइज़ था 3 फिट का, तो हम यहाँ से ऑफसेट 3 फिट ऑफसेट करेंगे यहाँ से इधर। इसको अब एक्सटेंड कर दें आप और ट्रिम कर दें यहाँ पे, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे आपने विंडो बनानी है, सेंटर पॉइंट ले लें इसका, सेंटर पॉइंट ड्रॉ किया, सेंटर टू सेंटर एक लाइन ड्रॉ की, 2 फिट लेफ्ट करें, 2 फिट राइट कर दीजिए, 2 फिट लेफ्ट, 2 फिट राइट। इसको हमने इरेज करना है और लाइन को यहाँ से ट्रिम कर देना है। हमारे पास एक कंडीशन आ गई, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा मैं डिफरेंट बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें मुझे कमी लग रही है, तो मैं इसको अपने हिसाब से ज़रा आसान करके बना रहा हूँ ताकि आपको बड़ा बहुत ईजी से समझ आ जाए। देखें, यहाँ तक तो मैंने एक बना दी। अब हमें इसे क्या करना है, हमने इसकी बाउंड्री बनानी है। तो बाउंड्री का, जैसे आपको पता है BOINTER आपने इसकी बाउंड्री बनाया। अच्छा, बाउंड्री बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का बिल्कुल सामने होना ज़रूरी है। अगर ऑब्जेक्ट आप जूम करके आप यूं बनाएंगे तो ये एरर दे देगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल सामने होगा आपके और उसके सेंटर में आप क्लिक करेंगे तो बहुत आसानी से इसकी बाउंड्री बन जाएगी। तो आप यहाँ पर क्लिक करें, इसकी बाउंड्री यहाँ बनाएं, इस पर क्लिक करें, ये दोनों बाउंड्री बन चुकी है। बाउंड्री बनाने के बाद आपने रेक्टेंगल की कमांड लेनी है, शॉर्टकट है RECINTER। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लीजिए, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लीजिए, ठीक है। और एक रेक्टेंगल आपने आउटर वॉल पे बनाना है, बिल्कुल इसके आउटर वॉल पे। ये क्यों बनाना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। इसको यहाँ से आप ऑफसेट टू इंच कर दीजिए। अच्छा, ये मैंने क्या किया, मिस्टेक हो गई बाबा, हमने आउटर साइड पे बनाया। अच्छा,
आउटर साइड पे राइट एंगल बनाना, आर ई सी इंटर, यहाँ पे एक राइट एंगल बनाएं, यहाँ पे इसको ऑफसेट 2 इंच कर दीजिए, ऑफसेट 2 इंच, ये देखिए ये चीज़ बनानी है। आउटर हमारे पास 2 इंच, हमने एक राइट एंगल बना लिया, ऑफसेट लिया, इसको रिमूव करते हैं। जो आपने एक लाइन बनाई है यहाँ पे, राइट एंगल जो आपने बनाया था, देखिए ब्लिंक कर रहा है, इसको आप आराम जैसे ब्लिंक करें, इसको आप सिलेक्ट करें और रिमूव कर दीजिए, ठीक है। देखें यहाँ से मैंने 2 इंच का ऑफसेट ले लिया, इसी ऑफसेट से आपने 1 फिट और ऑफसेट ले लेना है, 1 फिट आपने इसी लाइन से ऑफसेट 1 फिट और ले लेंगे। देखिए ये कंडीशन हमारे पास आ गई है। अच्छा यहाँ मैं असाइनमेंट पे जा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हों, क्योंकि मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाना है अभी, मैं इस लेवल पे आया हूँ, मैं ये बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल के स्टार्टिंग में मुझे क्या क्या बनाना है, फिर मैं एक साथ सबकी हाइट दूंगा और उनको मैनेज कर लूँगा, ठीक है। मैंने डायरेक्टली ये जो प्लान बना हुआ है, मैं इस ये समझ के बना रहा हूँ, तो इसको मैंने बनाना है। अगर मैं यूँ बनाऊँगा तो यूँ जैसे ये बनाया तो उस पर टाइम भी लग जाएगा, तो डायरेक्ट मैं एक टेक्निक से आपको जल्दी बना के आसान से बता रहा हूँ कैसे बनाएंगे। अच्छा वापस आते हैं अपने प्लान की तरफ, तो ये हमारा प्लान है, हम आते हैं आइसोमेट्रिक में। आइसोमेट्रिक में आने के बाद, अच्छा मैं इसको भी बाउंड्री बना लेता हूँ ताकि इसकी भी कंडीशन आपको थोड़ा पता चल जाए कि ये क्या है ये, तो बी ओ इंटर बाउंड्री बना लें इसकी भी, ये बाउंड्री बन गया, इसकी भी बाउंड्री बना लें, इंटर कर दीजिए। अब आते हैं आइसोमेट्रिक में, हमने एक्सट्रूड करना है ई एक्स टी इंटर, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया। अच्छा देखें ब्लिंक बाउंड्री लाइन, मैंने जैसे आपको बताया था सिंगल लाइन ब्लिंक करें, इसको सिलेक्ट करके रिमूव कर दें, ई एक्स टी, इसको दोबारा सिलेक्ट करें, इसको भी सिलेक्ट करें, इंटर कर दीजिए। 10 फिट हम इसकी हाइट दे रहे हैं, ये काम यहाँ भी करना है, इसको थोड़ा सा इससे दूर कर देते हैं ताकि बिल्कुल करीब ना हो, इसकी पुरानी फाइलें नीचे आ रही हैं, देखिए मूव करने से पुरानी जो फाइल्स हैं वो इसके नीचे आ रही हैं। अच्छा अब क्या करना है, इसको भी आप यहाँ से सिलेक्ट करें, और ये देखिए ब्लिंक कर रही है लाइन, इसको भी रिमूव करें यहाँ से, ये ब्लिंक करना ठीक नहीं है। ई एक्स टी इंटर किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया 10 फिट, ये देखिए। अब ये कंडीशन मेरे पास है, स्टार्टिंग पॉइंट ये था और एक ये पॉइंट था। मैंने यहाँ पे रेक्ट एंगल क्यों बनाया, आपकी आसानी के लिए बनाया, क्योंकि मुझे यहाँ पे डोर बनाना है और यहाँ पे विंडो बनानी है। तो कैसे बनाऊँगा, सबसे पहले क्या करना है, ई एक्स टी इंटर किया मैंने, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, मैंने दोनों को 3 फिट हाइट दे दी मैंने, ठीक है 3 फिट हाइट दे दी है। यहाँ मैं इसको मूव करूँगा, अच्छा मैं स्ट्रक्चर में ले जाता हूँ, 2D वायर फ्रेम में लेके जा रहा हूँ प्लान को, यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ से आपको समझ आए मैं किस चीज़ को, मैं मुझे इसको मूव करके ऊपर लगाना है ताकि डोर का एक डोर निकला है हमारा, इसको सिलेक्ट किया मैंने, इंटर किया, इस पॉइंट से उठाया मैंने, क्योंकि 3D में पॉइंट टू पॉइंट चीज़ को ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, इस पॉइंट को उठाया और इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया, और यही काम मैंने यहाँ भी करना है, लेकिन अब इसको मुझे कॉपी करना है, यहाँ पर कॉपी कमांड लगाएंगे, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इंटर किया, इस पॉइंट से इसको पकड़ना है यहाँ पे और इसको यहाँ से ऊपर लगा देंगे। ये जो मैं तरीका अपना रहा हूँ, ये प्रोफेशनल तरीके से आप 3D बनाएंगे तो हर चीज़ आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैं हर टाइप का प्लान अल्हम्दुलिल्लाह बना सकता हूँ, लेकिन मैं ये समझ के बना रहा हूँ, सोच के बना रहा हूँ कि आप बिल्कुल बिगनर हैं अभी। अच्छा मेरे पास ये लाइन वही मौजूद है जो पुरानी वाली थी, इसको अभी शायद रिमूव नहीं हुई, इसको रिमूव करें, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये कंडीशन मेरे पास आ चुकी है, ये देखिएगा असाइनमेंट पे जाते हैं हम लोग, इस लेवल पे खड़े, मेरे ख्याल से मैं इस लेवल पे हम आ चुके हैं। अब क्या करता हूँ, इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ मैं, इसकी हमने एक और कॉपी ले ली ताकि हम लोग अपने असाइनमेंट की जो पिक्चर्स हैं, ड्राइंग है, उनको भी फॉलो करते रहें और अपना काम भी करते जाएं। कॉपी करनी है, मैंने मूव कर दिया था सी ओ इंटर्स को सिलेक्ट किया, इसको नीचे किया मैंने, थोड़ा यहाँ मूव कर लेते हैं, फिर टोन हुआ है इस वजह से थोड़ा सी हो रहा है, यहाँ पे आ गए हम लोग, ये कंडीशन हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अब हम लोगों ने इसको एक्सट्रूड करना है, इसको एक्सट्रूड कितना करना है, ज़रा डायमेंशन अगर यहाँ दी है तो उसको फॉलो करते हैं, अगर नहीं दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो नहीं दी हुई,
अच्छा यहाँ पे स्टेप कितने हैं? फोर स्टेप है, 1 2 3 4, इसका मतलब इसकी 2 फीट हाइट है, तो इसको 2 फीट हाइट देते हैं हम लोग, EXT इंटर एक्सट्रूड, सेलेक्ट किया इसको, इंटर किया मैंने। अच्छा इसको -2 फीट कर देंगे ताकि इसकी हाइट जो है वो नीचे की तरफ ही रहे, ऊपर ना आए। -2 फीट किया, तो इससे हम कहते हैं प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल वो होता है जो रोड सरफेस, जो आपका रोड लेवल होता है उससे आपकी फ्लोर फिनिश हाइट को प्लिंथ लेवल कहा जाता है। फ्लोर फिनिश हाइट वो होती है जो आपके घर का फ्लोर फिनिश, जिसके ऊपर आप चलते फिरते हैं, फ्लोर टाइलिंग मार्बल लगा होता है, वो फ्लोर फिनिश एरिया होता है, ठीक है, तो इसे प्लिंथ लेवल कहा जाता है। अच्छा यहाँ हमने बना लिया, और अब क्या रह गया हमारे पास? रूफ। असल में ये चीज़ जो थी ये रूफ थी, तो इसको बनाते हैं हम लोग। इसको भी EXT सेलेक्ट किया, इसको हमने इंटर किया, इसकी जो हाइट देनी है हमने 6 इंच देनी है, 6 इंच हमने इसकी थिकनेस रखनी है रूफ की। अब हमें क्या करना है, इस रूफ को हमने मूव करना है 10 फिट इसके ऊपर। तो किस तरीके से करेंगे देखें ज़रा। एम इंटर किया मैंने, पहले आपने इस रूफ को सिलेक्ट करना है, एक जगह से सिलेक्ट किया, आपने इंटर किया, नीचे से क्लिक कर रहे हैं और हल्का सा रेफरेंस दें, आपने ऊपर की तरफ जाना है इसको, ताकि इंडिकेशन दें कि हमने ऊपर की तरफ जाना है। कितना जाना है आपने इशारा दे चुके हैं, सिर्फ 10 और फिट लिख दें, वो खुद ऊपर अपने जगह पे चला जाएगा, ठीक है। देखिए ये कंडीशन हमारे पास बन चुकी है, आते हैं असाइनमेंट में, हम किस लेवल पे आ गए, हम इस लेवल पे आ चुके हैं, ये लेवल हमने कंप्लीट कर लिया, जो ये वाला था, ये वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें क्या रह गया, इसमें रह गई है स्टेयर। स्टेयर किस तरीके से बनाते हैं ये भी देख लेते हैं, आ गए हम। अच्छा स्टेयर बनाने के लिए हमें व्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, देखें व्यू, मैंने अपनी 3D के अंदर जितने व्यू यूज़ किए हैं, ये एक प्रोफेशनल तरीका है, व्यू के ज़रिए आप बहुत आसानी से 3D बना सकते हैं, कि हर व्यू आपके कंट्रोल में रहने चाहिए। तो व्यू में आते हैं, अभी मैं लेफ़्ट व्यू पे आता हूँ, लेफ़्ट व्यू ये रहा मेरे पर लेफ़्ट व्यू, लेफ़्ट व्यू पे मैंने क्लिक किया, देखिए ऑब्जेक्ट हमारे पास चेंज हो गया। तो 2D वायर फ्रेम में आ जाता हूँ, 2D वायर फ्रेम में मतलब स्ट्रक्चर में आ चुके हैं हम लोग। यहाँ हमारे पास देखें ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, ये देखें ये विंडो है, तो मुझे इस जगह पे आके स्टेयर बनानी है। स्टेयर बनाने के लिए मैं PL पॉली लाइन ले रहा हूँ, वहाँ पे मैंने लाइन लगाई, ट्रेड जो है उसकी मैं जो वो रख रहा हूँ विद, वो तकरीबन 12 इंच रख रहा हूँ। राइजर की हाइट मैंने 6 इंच रखी, फिर ट्रेड की मैंने 12 इंच, फिर 6 इंच, फिर 12 इंच, और फिर 6 इंच, और फिर 12 इंच, फिर 6 इंच। यहाँ पे आप क्लिक कर रहे हैं और वापस ऊपर क्लिक कर दें, जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे एंड करें। पॉली लाइन मैंने ली थी इसलिए देखें ये मेरे पास ज्वाइंट हो चुकी है स्टेयर, 4 स्टेप मेरे पास बन चुके हैं। इसको मैं आइसोमेट्रिक में देखता हूँ कि ये किस तरीके से नज़र आ रहे हैं। कभी ऐसा भी होता है आप स्टेयर बनाते हैं लेकिन वो यहाँ पे नहीं, वो बहुत दूर ऑब्जेक्ट से बनी होती है, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो, ये कभी कभी होता है ऐसा, पॉइंट उसको नहीं मिलता तो वो आगे पीछे बन जाती है। तो एक्सट्रूड की हाइट कितनी है, तो 4 फिट हमारे पास ये है, मैं तकरीबन 4 फिट इसकी हाइट दे रहा हूँ, EXT इंटर, 4 फिट मैंने एक्सट्रूड की हाइट दे दी। अब देखिए मेरे पास इस तरफ आ गई, तो इस पर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्सट्रूड स्टेयर अब यहाँ मूव हो गई है। आप एम इंटर करें, आप पॉइंट टू पॉइंट चलें, इस पॉइंट से आपने पकड़ना है। देखिए जब भी मैंने जो भी ऑब्जेक्ट को मूव किया है मैंने हमेशा उसके कॉर्नर से, कोने से पकड़ा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने सेंटर से नहीं पकड़ना, कोने से पकड़ना है, और इसको कोने से पकड़ के इसके कॉर्नर पे लगा दें, कोने पे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये स्टेयर बना दी है, तो देखा जाए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है, एक हमने जो बनाया था तो हमारे पास ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है। तो उम्मीद है जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हम एक दफ़ा फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें। उम्मीद है आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। स्टडी विद यासी के साथ, यासी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।